हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। मैं खुशबू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि जनरली चलता है बीएससी फर्स्ट ईयर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हम बात करें तो ये फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच है, जो ना केवल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके साथ साथ हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक आईआईटी सेम हुआ, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन जो आप फाइट करते हो नेट जेआरएफ जेस्ट टीआईएफआर डीआरडीओ गेट जेस्ट, इसके साथ साथ फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ, कॉलेज लेक्चरशिप का एग्जाम हुआ, वहां सभी एग्जाम्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं वहां पे, ठीक है। बट अभी हम यहाँ पे जो स्टडी करेंगे वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अपना एटीट्यूड अगेन वो ही होगा जो मैकेनिक्स में था, जिस तरह से हम मैकेनिक्स में टॉपिक उठा रहे थे, बेसिक से उसका स्टडी कर रहे थे, उससे रिलेटेड एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, प्रॉपर नोट्स हमारे पास अवेलेबल थे और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम वहाँ सिंप्लीफाई कर रहे थे, उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी हम स्टडी करेंगे। इस बार से वैसे भी सेमेस्टर एग्जाम्स स्टार्ट हो गए हैं, पहले आपका ईयरली एग्जाम चलता था बट अभी सेमेस्टर वाइज एग्जाम चलता है, तो वहाँ टोटल आपका जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है। वहाँ पे टू टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक बनता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप और सेकंड क्वेश्चन बनता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप में नॉर्मल डेफिनेशन आ जाती है, फॉर्मूलाज आ जाते हैं या फिर छोटे छोटे न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई करना पूछ लिया जाता है, ठीक है। बट जो लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं उसमें जनरली ये तो डेरिवेशन पार्ट आता है, एओबी दो पार्ट होते हैं ना उसमें, एक तो डेरिवेशन पूछ लेता है, इसके साथ साथ ही आपने नोटिस कर लिया होगा मैकेनिक्स के एग्जाम में कि जो बी पार्ट होता है उसमें कहीं ना कहीं वो न्यूमेरिकल एड करता ही करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम करेंगे क्या, टॉपिक उठाएंगे कंप्लीट, उसका स्टडी करेंगे डेरिवेशन विद बेसिक प्रॉपर नोट्स के साथ, इसके साथ साथ ही उस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स भी सिंप्लीफाई करते जाएंगे, तो हमारा जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो डिले नहीं रहेगा, साथ के साथ ही सिंप्लीफाई होता जाएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में मैं क्या करने वाली हूँ, आज के लेक्चर में सिंपल मैं आपको सिलेबस इंट्रोड्यूस करूंगी कि देखो एक चीज वो क्लियर कर दूं, यहाँ जो मैं सिलेबस इंट्रोड्यूस कर रही हूँ वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, लेकिन 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 अपना जो कॉन्टेंट है वो सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या कोटा यूनिवर्सिटी के हो, एमडीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर मत्स्य पंजाब, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, बिना किसी हेजिटेशन के ये कंटेंट फॉलो करो, आपकी कहीं पे भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको सिलेबस इंट्रोड्यूस करूंगी, बट जो सिलेबस है वो मैं केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी का ही इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज का जो सिलेबस है उनमें टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ट्राई करूंगी मैं अदर यूनिवर्सिटीज के जो टॉपिक है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है उनको भी एड ऑन करवाने का, ठीक है, बट मैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम मेंशन कर दूंगी। तो पहले मैं सिलेबस इंट्रोड्यूस कर देती हूँ आपका, एक सेकेंड मार्कर दिक्कत कर रहा है। यूनिट फर्स्ट में आपके पास टू चैप्टर है, यूनिट फर्स्ट में आपके पास टू चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर वन है आपका स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। चैप्टर नंबर वन क्या है, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, जो कि पार्ट है वेक्टर एल्जेब्रा का। किसका पार्ट है ये, वेक्टर एल्जेब्रा का। स्केलर और वेक्टर तो आप ऑलरेडी जानते हो, 9 to 10 क्लास में अच्छे से समझ लेते हो कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, बट इसी में हमें थोड़ा यहाँ पे ब्रीफ वे में पढ़ना है, कुछ न्यू टर्म्स भी यहाँ पे एड ऑन हुई है उनका भी हमें यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो क्या है आपका, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। सेकेंड जो चैप्टर है वो है फील्ड ऑफ स्टेशनरी एंड मूविंग चार्जेस। सेकेंड चैप्टर क्या रहेगा यूनिट फर्स्ट का, फील्ड ऑफ स्टेशनरी एंड मूविंग चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल की वजह से कितना फील्ड जनरेट होता है, क्या वहाँ पोटेंशियल एनर्जी होती है, यदि वही चार्ज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी वजह से कितना फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जनरली हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड टॉपिक्स का हमें यहाँ पे स्टडी करना है, चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड टॉपिक का स्टडी करना है कि चार्ज पार्टिकल यदि स्टेशनरी है दैट टाइम वहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, और वही चार्ज पार्टिकल यदि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है दैट टाइम यहाँ पे हमें कुछ टॉपिक्स का
स्टडी करना है, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट क्लियर है, आपके पास टू चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर वन स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, और चैप्टर नंबर टू इज फील्ड ऑफ स्टेशनरी एंड मूविंग चार्जेस, ठीक है। नाउ यूनिट टू की ओर बढ़ते हैं। यूनिट टू में आपके पास एक ही चैप्टर है, वो चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर। तो लिख लीजिए चैप्टर नंबर आपका ये रहेगा 3, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, ये है आपका यूनिट नंबर 2, ओके। और बुक में देखोगे तो चैप्टर नंबर 3 आपको ये मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर। यूनिट थर्ड की हम बात कर लेते हैं। यूनिट थर्ड में आपके पास 2 चैप्टर्स रहेंगे, चैप्टर नंबर 4 विच इज मैग्नेटोस्टैटिक, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटोस्टैटिक, इसी में एक और चैप्टर इंक्लूड है, वो है मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर। क्या है आपका? मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर, ओके, मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर, ये क्या है आपका? यूनिट थर्ड, ठीक है। यूनिट फोर की मैं बात करूं तो वहां पे केवल एक ही चैप्टर है आपके पास। यूनिट फोर में आपके पास एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 विच इज मैक्सवेल इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके, चैप्टर नंबर 7। तो आपका जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से। यूनिट 1 में आपका फर्स्ट चैप्टर विच इज वेक्टर एंड स्केलर फील्ड। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स का स्टडी करेंगे, जिससे आपको इजी रहेगा इसका स्टडी करना, बहुत हेल्पफुल रहेगी वो बेसिक टर्म्स। ओवरऑल वैसे तो मैं बात करूँ बुक के लिए, पूरी कंप्लीट बुक के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगी, वो बहुत छोटी छोटी सी टर्म्स है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स की, ठीक है। थैंक यू।